हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, आपको मीडियन गिवन है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लास इंटरवल गिवन है, तो क्लास इंटरवल में 0 से 10 में फ्रिक्वेंसी 5 है, 10 से 20 में एक्स, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15, 40 से 15 में वाई और 50 से 60 में 5। तो देखिए, यहाँ से हम एक कॉलम और बनाएंगे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ये आपको इस तरह से लिखनी है, पहले जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है फर्स्ट, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे 5। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम ऐड करते जाएंगे, जैसे ये 5 है तो 5 में एक्स ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स, इसी तरह 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स में वाई ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसी तरह 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और हमें n गिवन है, जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो 60 गिवन है। अब देखिए, आपको मीडियन गिवन है 28.5। आप देखोगे ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। देखो 28.5 जो है ये 20 से 30 के बीच में आता है 28.5, तो हम कहेंगे ये इसका क्लास इंटरवल होगा 20 से 30। अब देखिए मीडियन क्लास बोलते हैं हम इसे 20 से 30। नेक्स्ट आपको लिखना है L। L जो होगा इसमें आपकी लोअर लिमिट होगी 20, और F जो होगी, देखिए इसके सामने जो फ्रिक्वेंसी होगी ये F होगी, और जो CF लेंगे ये इसकी प्रोसीडिंग होगी, मींस जो इसके सामने है इससे ऊपर वाली होगी, इसको हम लिखेंगे CF। तो देखिए यहाँ से हमने f इज इक्वल टू 20 लिखा, cf इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, और जो h होगा ये इंटरवल का गैप होगा, ये हमारे को 10 ही गिवन है। इंटरवल का गैप देखिए, जैसे 10 से 20 है, 0 से 10 है, 20 से 30, तो सब में इंटरवल का गैप जो है इक्वल है, वो है 10। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय f इंटू h। तो यहाँ से जो ये मीडियन हमें गिवन है वो है 28.5, और जो l है ये 20 है, प्लस n बाय 2, n है 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ है 5 प्लस x, तो हमने यहाँ से लिखा 5 प्लस x, और जो फ्रिक्वेंसी f गिवन है, f है हमारी, वो है 20 इंटू में h, h है हमारा गैप जो था ये 10 था। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 28.5 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 30 माइनस 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 10। अब देखो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 28.5 इज इक्वल टू 20। अब ये देखिए बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज करेंगे, 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 10। अब देखिए 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 2 रहेगा, और देखिए यहाँ से 28.5 यहाँ से देखिए ये जो 20 है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 5 करेंगे 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 28.5 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो यहाँ से 8.5 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 17, ये 25 यहाँ ले जाएंगे, माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स,
तो इसको देखिए माइनस करेंगे, -25 प्लस 17 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -x। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। अब आपको फाइंड करनी है y की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपकी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी यहाँ पर लास्ट में जो ये 45 प्लस x प्लस y, ये सारा इसका सम जो है ये n इज इक्वल टू 60 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से देखिए 45 प्लस में 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और 45 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, देन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 53 इज इक्वल टू 7। तो जो हमारी वाई की वैल्यू आएगी ये आएगी 7। सो एक्स की वैल्यू 8 आई है और वाई की वैल्यू 7 आई है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जब हमें मीडियन गिवन होगा और हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।